टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे। इश्क पागल करे का। हालांकि उसे पता भी है कि आज प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग रखी हुई है। हद होती है लापरवाही की भी। रानिया बेटा कहाँ रह गई, जल्दी आ जाओ। अम्मी बस आ गई। नोट्स निकालने में टाइम लग गया था, वो मिल नहीं रहे थे। बेटा तुम जानती भी हो कि तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे स्कूल जाना होता है। 20 साल की सर्विस में आज तक कभी एक मिनट भी मैं लेट नहीं हुआ, और इसी वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। खैर चलो, निकलने वाली बात करो। खुदा हाफिज। आ जा बेटा। मेरा बेटा दुपट्टा ठीक से सर पर। यार ये बताओ कि आखिर कब तक तुम इस तरह बैठे रहोगे हैं? पढ़ा लिखा के तुम्हें जवान किया है, आखिर तुम्हारी माँ की और हमारी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। एक अकेला घर है, बहू आएगी तो कुछ माँ का दिल लगेगा, कुछ तो इंसान होगा बात करने के लिए उसके पास, और तुम हो के बस। वो अबू, मैंने आपको बताया था ना कि जो तुमने मुझे बताया है ना बेटा, वो एक शराब है, शराब। और शराब के पीछे भागने से किसी को मंजिल नहीं मिली कभी, सिवाय सहरा में भटकने के, और कुछ हाथ नहीं आता। भूल जाओ सब शराबों और ख्वाबों को। जो तुम सोच रहे हो ना, वो होने वाला नहीं है। मगर अबू, अमीदा तुम ही कुछ समझाओ इस बेवकूफ को। जवान औलाद के मुंह लगना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैंने सगीर भाई से बात कर ली, कोशिश करेंगे कि हम जाएं वहां और मंगनी की तारीख तय करें इसकी और समिया की। ये क्या कह रहे हैं आप अबू? अम्मी आप ही बात करें ना। समझाओ इसे, मैंने जो कहना था कह दिया है, समझे? पहले ही खानदान वाले हमारी कोई इज्जत नहीं करते, ऊपर से और हमारी नाक कटवाएगा। अबू अम्मी, आप जानती हैं मैं किसी सूरत समिया से शादी नहीं करूंगा। मैं रानिया से बात। बेटा तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसके नाम की माला तुम दिन रात जपते हो वो शराब है बेटा, शराब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं अम्मी, रानिया कोई शराब नहीं है और ना ही कोई ख्वाब, और अगर वो ख्वाब है ना तो मैं उसे हकीकत करके दिखाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है बेटा, और तुम्हें सब बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन मोहब्बत कुछ नहीं जानती। मुझे लगता है आप लोग मेरी मोहब्बत को ठीक तरह से जाने ही नहीं।
राहील, राहील बेटा, राहील। चाय भी नहीं खत्म करके गया। या अल्लाह, क्या बनेगा इस लड़के का? जो ये सोच रहा है वो हो नहीं सकता। इसका दिल टूटेगा तो सलामत तो मेरा दिल भी नहीं रहेगा। कोई कैसे इसे समझाए? अबू, फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रानिया, जिंदगी में कभी कोई कदम ऐसा ना उठाना जिससे मेरी इज्जत पर हार। जी अबू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। फोन उठाओ मेरा। फोन करो, मेरा फोन अटेंड करो प्लीज। रानिया से मत करो मेरे साथ। कुछ भी नहीं, वो बस प्लीज डोंट कॉल। मैं
मैं तो बस रानिया को प्रिंसिपल साहब बोल रहा हूँ। ओके तुम जाओ, प्रिंसिपल साहिबा की बात सुनने के बाद मेरे पास मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, समझी? प्रिंसिपल साहिबा ने बुलाया। सभा? जी मैम। इधर आओ। जी मैम। सभा तुम्हें मैडम बुला रही है, जाओ। मुझे? लेकिन मुझे क्यों? तो इस बात का तो मुझे नहीं पता, उन्होंने बुलाया, जाए और बात सुनकर आए। जी मैम। आप तस्दीक करती हैं कि ये राहिल रानिया के कजन हैं? जी मैडम। मैं किसी को इजाजत नहीं देती इस तरह कॉलेज से जाने। लेकिन मैडम मैंने आपको बताया ना, वो रानिया के फादर जो मेरे चचा हैं वो हॉस्पिटल में हैं और काफी सीरियस हैं। ठीक है, इसीलिए तो इजाजत दे रही हूँ। मगर रानिया बेटा, जब आपके वालिद ठीक हो जाए तो आपने एक तस्दीक नामा जमा करवाना है कि आपके वालिद बीमार थे और आप अपने कजन के साथ हॉस्पिटल गई थी। जी ठीक है। और जो एप्लीकेशन ये लिख के देंगी अभी, तो मरियम बेटा आपने भी उस पे साइन करने हैं। जी मैडम, मैंने भी। अभी आपने तस्दीक की थी ना कि ये रानिया के कजन हैं? जी मैडम। फिर रानिया की एप्लीकेशन पे साइन करने में क्या हर्ज है? मेरा ये मतलब भी नहीं था। देखिए ये बहुत जरूरी है, जैसे राहिल साहब बता रहे हैं कि शदीद इमरजेंसी ना होती तो वो ना आते। वो मैडम मैंने आपको बताया ना कि चाचा जान की तबीयत काफी खराब है, और मैंने तो हालांकि चाची जान को कहा था कि वो मेरे साथ आ जाएं, लेकिन क्योंकि चाचा की तबीयत ज्यादा खराब है वो उनका साथ नहीं छोड़ सकती। अब डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर रानिया आ जाएगी तो हो सकता है चाचा जान उनको देख के वैसी ठीक हो जाए। तो ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख दें और जाएं। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। खड़ी रखो। हे रुको, तो यू खिजर रखो।
रुको तो, यू यू खिजर रुक जाओ नहीं नहीं मुझे नहीं जाना घर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बेटा भी अब गुम हो जाते तो इधर अंकल अंकल मुझे क्या ले प्लीज कहाँ लेके जा रहे थे इस बच्चे को और तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता चुप मैं पुलिस को कॉल करता सबर करने से क्या तुम अपने दिमाग से बाहर हो ये तो मेरा बेटा है पापा कहाँ चले गए थे आप मैं परेशान हो रही थी आपको ढूंढ रही थी तुम तो बिल्कुल पागल हो क्या अभी तो नहीं हुआ लेकिन डर लगता है कि हो जाऊं मैं क्या करता तुम तो फोन ही नहीं उठा रही थी अब और ऊपर से अम्मी अबू अम्मी अबू अम्मी अबू का क्या अगर मेरे अम्मी अबू को पता चल गया ना तो मुझे इस तरह से कॉलेज से उठा कर लाएंगे तो घर जाते ही मेरे अबू सहन में जगाड़ देंगे नहीं करेंगे ऐसा उनके लिए मेरे अम्मी अब्बा और मेरी फैमिली ही काफी है नफरत करने के तो मैं कुछ नहीं कहेंगे प्लीज राहिल मुझे तंग मत करो कब से तंग किया जा रहे हो और वैसे भी तुमने मुझे सुबह से कितना तंग किया अच्छा सुनो तो प्लीज रानिया अपने अम्मी अबू से बात तो करो ताकि मुझे अम्मी अबू को रोकने का कोई जवाब तो मिले फिर मैं बात नहीं कर सकती मुझे मुझे बात करने के लिए भी किसी मुनासिब वक्त को देखना पड़ेगा नहीं कब आएगा ये मुनासिब कब तक इस तरह चलता रहेगा हमें इस कहानी का कुछ तो एंड करना है ना तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी अबू मानेंगे और मेरे अबू से उनसे तो बिल्कुल भी अभी बात नहीं की जा सकती क्यों अभी परसों ही तुम्हारा तुम्हारी फैमिली का जिक्र हो रहा था और यकीनन तुम्हारे अबू ने मेरी फैमिली के बारे में कुछ बुरा ही बोला होगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो है ना यही तो मैं बदलना चाहता हूँ और ये पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है अगर तुम मेरा साथ दो देखो अगर तुम अपने अबू को मेरे पेरेंट्स के साथ ठीक तरह से इंट्रोड्यूस करवाओगी तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना उनके बारे में जो सब फैमिली की बातों की वजह से है वो चेंज हो जाएगा पता नहीं मुझे खानदान वालों की बातों से कुछ लेना देना नहीं लेकिन मुझसे तो लेना देना है ना सही कहते अच्छा प्लीज रानिया प्लीज बात करो ना अपनी फैमिली से बल्कि ऐसा करो ना कि अपनी अम्मी से बात करो वो तो नरम दिल है ना तुम्हारी बात मान लेंगी और वैसे भी वो जब भी मुझसे या मेरी फैमिली से मिली है बहुत अच्छी तरीके से मिली है नॉट लाइक योर फादर अच्छा थोड़ा टाइम तो दो मुझे मैं अम्मी से बात करने की ट्राई करती हूँ वाकई में करूंगी बात कोशिश नहीं रानिया तुम्हें ये करना है और आज ही करना है प्लीज अब वक्त नहीं हाथ छोड़ो मेरा अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा तो क्या यही कहेगा दो होने वाले मियां बीवी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और क्या
ख्वाब की तबीर से पहले ख्वाब सोचने वालों को लोग दीवाना कहते हैं। ये बात तुम्हें आज पता चली है कि मैं दीवाना हूँ? हाँ, मुझे आज पता लगा आप दीवाना। अरे साहब, आप आ गए। आ तो गया हूँ, लेकिन हुआ प्लीज ये आप मुझे साहब नहीं कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, कोशिश तो करती हूँ बेटा, और अक्सर बेटा ही कहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुंह से साहब निकल जाता है। हाँ, तो ये कभी कभी पे भी कंट्रोल क्यों नहीं पा लेती हैं? वो आप जानती हैं कि मैं आपको अपनी वालदा की जगह समझता हूँ और वही मुकाम भी देता हूँ और उन्हीं की तरह रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो आपके लिए परेशान रहती हूँ। क्यों क्यों परेशान रहती हूँ? इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर, मगर फिर भी एक वीरानी सी है इस घर में। तो वीरानी किस चीज की हुआ? अभी आपने ही तो कहा कि इतना बड़ा घर है, फिर आप हैं, मैं हूं, नौकर चाकर हैं, तो वीरानी तो होनी नहीं चाहिए। अरे बेटा, जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो आप भी समझते हैं। जाने आप उस तरफ आना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है बुआ कि मैं इस तरफ आना नहीं चाहता, बस खौफ सा है। खौफ? कैसा खौफ? यही खौफ हुआ कि मैंने जब भी किसी को चाहा, जब भी किसी को अपनाया, वो छोड़ के चला गया मुझे, इसलिए बस डर सा लगता है। जिंदगी ने बचपने से आपके साथ कोई ज्यादा अच्छा सलूक नहीं किया। ये ठीक है बेटा कि माँ बाप आपके दोनों जल्दी गुजर गए, लेकिन अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो फुटपाथ पे चलना छोड़ देता है? आप तो फलसफी होती जा रही है। फलसफी का तो नहीं मुझे पता, एक माँ की तरह सोचती हूँ, और जो मैं सोचती हूँ वो आपसे कह देती हूँ। एक बात कहूँ? जी कहिए। सर, आप मेरा बहुत एहतराम करते हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी सगी माँ की जगह होती तो क्या? तो बस कैसे कहूँ, बस मैं आपकी शादी करवाई देती। कान पकड़ के दूल्हा बना देती मुझे, यही कहना चाह रही है ना आप? नहीं नहीं साहब, ये मैं कैसे कह देती, लेकिन आपकी शादी करवा देती। अच्छा ठीक है, मगर ये आइंदा सगी और सौतेली वाली बात मुझसे दोबारा मत कीजिएगा। तो आप सुनते नहीं तो मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कीजिए, बस अब आप एक अच्छी सी लड़की देखिए। क्या वाकई? हाँ बुआ, मैं भी शायद थक गया हूँ अपने आप से लड़ते लड़ते। ठीक कहती हैं आप, इस घर की वीरानी अब दूर होनी चाहिए। मैं कल ही रिश्ते वालों से बात करूंगी, देखना आपके लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? या मेरे खुदाया, क्या हो गया इस लड़की को? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छा लड़का है अम्मी, वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चुप कर जा, मास्टर साहब ने सुन लिया ना, तो हम दोनों के साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा वो अपने नलायक तरीन शागिर्दों के साथ करते हैं, उल्टा टांग देंगे हम दोनों को। आप अब्बू को समझाने की कोशिश करें, इनसे बात करें। अरे खुदा के लिए आहिस्ता बोल लड़की, आहिस्ता बोल। वैसे
मैं तुझे इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। आप उससे एक दफा मिलने की कोशिश तो करें। अरे लड़की क्या हो गया तुझे, तू मिली भी है उससे क्या? अच्छा वो बन्नू भाई की शादी में देखा था जिससे तू बातें कर रही थी, वही लड़का है ना? मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा तो तू उससे बात भी करती है? नहीं नहीं, वो एक दफा फोन पे बात की थी मैंने। हाय हाय रानिया तू क्या कर रही है, किस तरफ चल निकली है बेटा, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था तेरे बारे में। मैं एक बात जानती हूँ, अगर मेरी मदद कर सकती हैं तो वो आप कर सकती हैं। मैं सिर्फ राहिल से शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। बस रानिया बस, खुदा के लिए आहिस्ता बोल, बराबर वाले कमरे में तेरे अब्बू हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी बेटा। आप प्लीज कुछ करें, आप मुझसे वादा करें, आप अब्बू से बात करेंगे। प्लीज मुझसे वादा करें कि आप अब्बू से बात करेंगी मेरी और राहिल की। हाँ भाई बात करती हो रानिया, कितनी जरूरी बात करनी है तुमसे, तुम कॉल नहीं अटेंड करी, ना ही मैसेज का जवाब दे रही हो। सुना है मास्टर कुद्दूस किसी के नहीं मानते, किसी के नहीं सुनते, लेकिन ये बात उनको माननी होगी, इसलिए क्योंकि ये एक सच्चे दिल से निकली हुई आवाज है, वो इनकार नहीं कर सकते। अंकल को बहुत जल्द खुद ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थामना होगा। आई लव यू रानिया, आई लव यू। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटियों में, क्या सरगोशियां हो रही हैं? कुछ नहीं अब्बू जी। हाँ कुछ भी तो नहीं कद्दू साहब, रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो रुकैया, तुम्हारा शौहर हूँ इसका बाप, तुम दोनों की आंखों में जो कुछ होता है मैं बआसानी पढ़ लेता हूँ। बोलो क्या बात है? अरे आप भी हद करते हैं कद्दू साहब, माँ बेटी के दरमियान हजारों बातें होती हैं। अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं हाजिर हुआ था कि सुबह के लिए मेरी वास्कट इस्त्री कर देना, अक्सर औकात सुबह बिजली नहीं होती फिर बड़ी परेशानी हो जाती है, वैसे भी इकबाल डे है, तो अभी कर देना मेरी। आप जी जी मैं बस एक मिनट में आ रही हूँ, आप चले मैं आती हूँ। अच्छा ये देख रानिया, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे बेटा, तेरे दिल में जो कुछ भी चल रहा है ना उसे खुरच कर फेंक दे बेटा। करूंगी बस, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। देख रानिया बेटा, अभी तो तेरे अब्बू को कुछ पता नहीं चला, तो किस तरह घूर घूर कर देख रहे थे हमें, और अगर खुदा ना खास्ता उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई कि तू और रहील, तौबा तौबा तुझे अंदाजा ही नहीं बेटा क्या होगा तेरे साथ, बस भूल जाओ उस लड़के को। अरे भाई बेगम आ भी जाओ। जी जी कद्दूस मैं आ रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने। बस अम्मी मेरी बात तो सुन। अम्मी रुकैया, जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो उनके वालिद से कभी कोई ऐसी बात नहीं छुपाया करते जो वालिद के इल्म में लाना जरूरी हो। रुकैया क्या बात हो रही थी रानिया से? आपको बताया तो था, कोई ऐसी खास बात नहीं। चलो कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखना,
रुकैया जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो उनके वालिद से कभी कोई ऐसी बात नहीं छुपाया करते जो वालिद के इल्म में लाना जरूरी हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कद्दूस? आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती और इसीलिए बता रहा हूं कि आइंदा भी कभी कुछ मत छुपाना। हमारी बेटी के लिए और इस घर की इज्जत के लिए यही बेहतर होगा। जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भला क्यों छुपाऊंगी, कभी भी नहीं छुपाऊंगी। अच्छा वो तुम्हारी बात हुई वो रिश्ते करवाने वाली से? जी हो गई थी मेरी बात। अब हमें इस मामले में ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। रानिया की पढ़ाई भी अब कंप्लीट होने वाली है और जब बेटियां इस उम्र में पहुंचती हैं तो उनके हाथ जल्द से जल्द पीले कर देने चाहिए। लेकिन वो रानिया आगे पढ़ना चाह रही है। मगर तो उसे किसने रोका है? मैं तो खुद चाहता हूं मेरी बेटी जब तक चाहे वो पढ़ती रहे। वो दिन तो आए कि मेरा दामाद जब इस घर में आएगा तो मैं खुद उसे ये मशवरा दूंगा कि भाई इसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने दो, पढ़ना तो अच्छी बात होती है। जी रानिया फोन उठाओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम कॉल नहीं अटेंड कर रही ना ही मैसेज का जवाब दे रही हो, कितनी जरूरी बात करनी है तुमसे। रानिया बेटा तुम अभी तक सोई नहीं हो? एक तो आजकल की नस्लों की जिंदगी बिल्कुल बदल के रखती है इस मोबाइल ने। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तुम सोई नहीं हो, मोबाइल पर लगी हो, तो बहुत गुस्सा करेंगे। अभी कितने गुस्से में थे वो,
उस कमरे में जाकर मुझे इतनी सुनाई है उन्होंने। अच्छा तुम अब सो जाओ, सुबह नमाज में ना उठी तो इतना सुनाएंगे कि सारा मोहल्ला देखेगा। चलो मोबाइल मुझे दो। नहीं मैं ये बंद कर लेती हूँ ना। नहीं नहीं मुझे पता है तुम किसी न किसी सहेली से फिर लगी रहोगी मैसेज पर। लाओ मोबाइल मुझे दो। अम्मी ये देखिए मैं आपके सामने बंद कर दिया। मैं बंद कर लेती हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है अब सो जाना। जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम कॉल नहीं अटेंड करी, ना ही मैसेज का जवाब दे रही हो। समझते हो मेरे घर वालों, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है रोज इस तरह से आकर तुम्हें मिलना। इसलिए तो कह रहा हूँ एक दफा बात कर लो ना हमारे। रानिया शर्म बेगैरत, मैं ये सोच भी नहीं सकता था मेरी बेटी एक बदनाम जमाना औरत के बेटे राहिल के साथ यूं घूम के फिर से हो। उसके फादर ने उसको कॉलेज जाना बंद करवा दिया है, शायद जाने की इसी महीने शादी हो जाए।